तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से किस तरह से एक फुल HD में थंबनेल क्रिएट करेंगे अपने YouTube वीडियो के लिए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो करना वीडियो को लाइक, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि फ्रेंड ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और आपको फ्रेंड फुल HD में आपको अगर एक थंबनेल क्रिएट करना है फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है, जो कि आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। मैं इसका लिंक दे दिया हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का कुछ दिखाई देगा। इसमें पिक्सल लैब जितने भी एंड्रॉयड जितने भी यूट्यूबर अपना जो थंबनेल क्रिएट करते हैं इसी एप्लीकेशन से अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको 3 डॉट लाइन पे आना है, और 3 डॉट लाइन पे आने के बाद आपको सिंपली आपको आना होगा अपने इमेज साइज पे। और फ्रेंड जैसे ही मैं इमेज साइज पे आप क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ आपको इस एरो पे क्लिक करना है, और आपको फ्रेंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। और यूट्यूब थंबनेल आपको सेलेक्ट करने के बाद इससे ये होगा फ्रेंड कि आपका जो पिक्चर का जो साइज है फ्रेंड ये सेट हो गया। यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है वो थंबनेल का साइज अपने आप सेट हो चुका है। और आपको फ्रेंड सिंपली आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो कलर है इसको कलर को आपको ठीक करने के लिए आपको आना ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कलर का ऑप्शन है। इस कलर वाले ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, कलर और ग्रेडियंट। तो आपको कलर में जाना है, या फिर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट में जाना है। और आपको फ्रेंड सिंपली कलर में जाने के बाद आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो भी कलर आपको रखना है उस कलर आप रख सकते हैं। तो मैं जैसे कि रख लेता हूँ यहाँ पर वाइट कलर रख लेता हूँ, कोई सा भी कलर रख लेता हूँ। जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ये वाली कलर रख लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मैं अपना ये वाली कलर को रख लिया हूँ, और आपको फ्रेंड ये कलर रखने के बाद आपको फ्रेंड क्या करना है कि आपको सबसे पहले न्यू टेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको इसको पहले, उसके बाद आपको आना होगा अपने जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ये एप्लीकेशन इस ये वाली ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में आना है और आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन, इडियट पेंसिल का आइकन जो दिखाई दे रहा है, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल, तो सिंपली सबसे पहले आपको यूट्यूब लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो इसका जो होगा, तो आपका ज़्यादा एक एक करके आप अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है, YouTube में लिख चुका हूँ। आपको इसको डिलीट, जैसे कि ये मेरा एक एक्स्ट्रा टैग आ गया, तो इसको डिलीट करने के लिए डिलीट वाला ऑप्शन में छुएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली YouTube लिखना है, और YouTube लिखने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड कि आपको सबसे पहले आना है इस तरह से, और इस तरह से आने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ तो आपको अलग अलग फॉन्ट मिल जाएंगे, बहुत तरह के फॉन्ट। तो आपको सिंपली फ्रेंड इसमें सबसे ज़्यादा मैं यूज करता हूँ ये वाली फॉन्ट को, और इस फॉन्ट को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ इंटरफेस है। और आपको फ्रेंड उसके बाद क्या करना है, ये यूट्यूब का जो इसका जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए आपको फ्रेंड देख सकते हैं ये वाली ऑप्शन में आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस ऑप्शन को आपको कर लेना सेलेक्ट। तो जैसे मैं रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रेड कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस साइन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपको फ्रेंड जाना होगा इस तरह से कुछ, और इस तरह से आने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, तो स्ट्रोक का ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और स्ट्रोक का क्लिक करने के बाद आप इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आप इसकी जो मोटाई है थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड आपको इसको भी सही कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आपको शैडो शैडो पर क्लिक करना है, शैडो को थोड़ा इनेबल कर देना, क्योंकि फ्रेंड इससे आपका जो जो आप जो लिखे हैं वहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो शैडो को ऑन कर लेता हूँ। शैडो को ऑन करने के बाद आप इसका जो शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ दिखता है, तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो मैं वाइट कलर दे देता हूँ, और वाइट कलर आपको शैडो को जिस तरह आप मैचिंग करा सकते हैं, और मैं दे देता हूँ शैडो को इस तरह से। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड इस प्रकार का कुछ दिख रहा है। तो ये जैसे मैंने ये वाले ऑप्शन ये पूरा यूट्यूब लिख चुका हूँ, और YouTube लिखने के बाद उसके बाद फ्रेंड दूसरा मुझे क्या लिखना है, दूसरा लिखना है कि YouTube का
थंबनेल कैसे बनाएं। तो फ्रेंड इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, तो आपको हिंदी टाइप करने के लिए फ्रेंड एक कीबोर्ड होता है, एक एप्लीकेशन होता है, जो कि आपको अगर नहीं पता है कि इंग्लिश टाइप करके हिंदी किस तरह से टाइप करेंगे, तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड सब आपको क्या करना है, इसका एक एप्लीकेशन आता है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद हिंदी से इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आपको फ्रेंड इस प्रकार से मैंने इस कीबोर्ड में टाइप कर हिंदी में सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ से यूट्यूब का थंबनेल में लिख देता हूँ फ्रेंड, और लिखने के बाद सिंपली फ्रेंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसका भी जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं फॉन्ट जो है अलग सेलेक्ट कर देता हूँ, वही वाला मैं सेम रखूँगा क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है मुझे। और मैं इसका रख लेता हूँ यूट्यूब का थंबनेल, और सिंपली आपको इसको भी कलर में सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं इसको कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका दे देता हूँ कलर येलो कलर दे देता हूँ। तो जैसे मैं येलो कलर दे दिया हूँ, येलो कलर देने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली फिर से आपको ये स्ट्रोक को ऑन कर देना है, क्योंकि इससे कुछ अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखता है, स्ट्रोक को ऑन करना है, और शैडो को भी आपको ऑन कर देना है। तो जैसे मैं शैडो को भी ऑन कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। तो अब उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से इसको टिकअप कर देना है। तो यूट्यूब का थंबनेल फिर आपको आना है फ्रेंड कि इस पर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली इडियट वाली पेंसिल पे फिर से क्लिक करना है, और उसके बाद लिखना है फिर से फ्रेंड यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं। तो मैं लिखता हूँ, तो मैं पूरा ये लिख चुका हूँ फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख चुका हूँ यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं, और उसके बाद फ्रेंड आपको इसको भी कलर कर लेना है। तो जैसे मैं कलर कर लेता हूँ, या इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर रख देता हूँ, तो ब्लैक कलर रख दिया हूँ। और ब्लैक कलर रखने के बाद इसका भी जो स्टाइल है फ्रेंड, स्टाइल में आपको स्टाइल से भी आप यहाँ से इसको मोटा बोल्ड कर सकते हैं फ्रेंड आप, या फिर आप यहाँ से जो फॉन्ट साइज़ है आपको फिर से मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ दिखाई दे रहा है, और इसका भी फ्रेंड आपको स्ट्रोक ऑन कर देना है। स्ट्रोक ऑन करने के बाद आपको इसका ये मेरा फॉन्ट ब्लैक है, तो आपको इसका स्ट्रोक वाइट रखना है, तब जाके कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो मैं इसका स्ट्रोक वाइट दे दिया हूँ, और फ्रेंड उसके बाद आपका इसका भी शेडो ऑन कर देना है। शेडो मैं ऑन कर देता हूँ, तो शेडो ऑन कर दिया हूँ मैं, शेडो दे देता हूँ इसको वाइट कलर। तो इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड इतना मेरा जो है टाइप कर चुका हूँ, तो इसको आपको सेंटर कर देना है। तो सेंटर जैसे मैं कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ मेरा जो है लिख चुका हूँ। और उसके बाद फ्रेंड आपको अगर यहाँ पर एक पिक्चर लगाना है, तो आप पिक्चर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पिक्चर लगाने के लिए सिंपली आपको ये बीच वाला जो ये वाली जो आइकन है, उस आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पिक्चर मिल रहा है मुझे, तो मैं ये वाली पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे आप कोई सा भी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर अपना भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ फ्रेंड कि इस प्रकार से कुछ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें टिकअप कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है फ्रेंड, इस प्रकार से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा कि YouTube का थंबनेल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया हूँ कि YouTube का थंबनेल कैसे बनाएं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप एक प्रोफेशनल, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड आपको ऊपर सेव वाली बटन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे सेव एज इमेज पे कर देना है, उसके बाद सेव टू गैलरी पे सेलेक्ट कर देना है। तो आप इस प्रकार से अपना खुद का यूट्यूब वीडियो के लिए खुद से आप अपने मोबाइल से एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं।